अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आप सब क्लियर से होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, अप्लाइड मैथमेटिक्स मैथ 113 और मैथ 123, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर जो है हमारा 4 है, जनरल आइडेंटिटीज़। शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे थे इसके चैप्टर नंबर 6 या आप समझ लें कि चैप्टर नंबर 4 जो है, तो इसके हमारे 21 क्वेश्चन हो चुके थे। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 22 से ऑनवर्ड। तो ये हमारे पास आ जाता है इसका क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्रेस एज सम और अ डिफरेंस। ये अब हमारे स्टूडेंट सम और डिफरेंस वाले फार्मूले आ जाते हैं जो मैं आपको लिखवा दूंगा अभी। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन, 2 cos 5 θ sin, ठीक है, 3 θ। अब मैं आपको इसके ज़रा फार्मूला लिखवा दूँ कि सबसे पहले हमारे पास इसमें फार्मूला क्या बनता है कि ये 2 cos, यानी कि अगर ये cos a sin b है, इस तरह करके फार्मूला बनता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास बनेगा इस तरह से कि पहला फार्मूला बनता है 2 sin a cos b, ये इक्वल टू होता है sin, ठीक है, a प्लस बी और प्लस में आएगा, ठीक है ना, sin अगर cos है तो, और sin a माइनस बी। और अगर दूसरे फार्मूले की बात करते हैं तो ये होता है 2 cos a sin b। तो यहाँ फ़र्क हो जाएगा कि ये साइन ए, ठीक है, माइनस ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला इसी तरह से है कि 2 cos a cos b, तो ये हो जाएगा कॉज में कॉज ए प्लस बी प्लस कॉज ए माइनस बी। और अगर आ जाता है हमारे पास 2, ठीक है, साइन ए साइन बी, तो ये हमारा इक्वल टू हो जाता है कॉज ए प्लस बी माइनस कॉज ए माइनस बी, ठीक हो गया। तो ये 4 फार्मूले हैं। अब हमने अपना देखना है कि हमारा कौन सा फार्मूला लग रहा है। यहाँ पे है कॉज ए साइन बी, कॉज ए साइन बी के मुताबिक ये तीसरा फार्मूला है। अब इसके मुताबिक अपने क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले 2 cos a sin b के मुताबिक है साइन ए प्लस बी, ये ए है ये बी है, ठीक है ना, तो ये आ जाता है हमारे पास साइन, ठीक है, ए प्लस बी। ए हमारे पास कितना है, 5 θ + 3 θ, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 θ + 3 θ और माइनस फिर से साइन और ए माइनस बी, तो फिर है 5 θ - 3 θ। तो इसको सोल्व करते हैं तो देखिए आता है हमारे पास 5 और 3 कितने हो गए, 8 θ, और माइनस इसी तरह से है साइन, ठीक है, 5 में से 3 निकले बाकी 2 θ, तो ये है एक हमारे पास 8 θ, एक हमारे पास है माइनस में 2 θ। आंसर देखते हैं तो देखें साइन 8 θ माइनस साइन 2 θ, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये फार्मूले आते होंगे तो ये फौरी आप सोल्व कर सकते हैं। आप आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 मैं लिखता हूँ पहले इस पर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 है, इसमें भी हमने सम और डिफरेंस का फार्मूला ही इस्तेमाल करना है। और वो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कोज 3 θ कोज थीटा, ठीक है ना, तो ये दोनों कोज में है, ठीक है ना, देखिए दोनों कोज हो जाएं तो क्या होता है कि कोज ए प्लस बी प्लस कोज ए माइनस बी। तो अब इसके मुताबिक हो जाता है यहाँ पर कोज ए प्लस बी, ठीक है, और दरमियान में लगता है प्लस कोज ए माइनस बी, तो इसके हिसाब से हो जाएगा हमारा कोज 4 θ प्लस कोज 2 θ, ठीक है, तो ये दोनों ही आंसर हैं। इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। तो 23 का आंसर हमारे पास है जी, वो कहता है जी कोज 4 θ प्लस कोज 2 θ, ये 1/2 जो है ये मैं, हाँ सॉरी, यहाँ पे एक चीज़ हमारी रह गई है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ इसमें गलती क्या हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कोज 3 θ, हालांकि यहाँ पर 2 की कमी है, ठीक है ना, तो ये जो 2 है वो समझ लें कि आपका जो 2 है वो इसके नीचे आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे आंसर के नीचे डिवाइड हो गया इस तरह से। यहाँ पर 2 की कमी जो है वो इसने इसके नीचे आ गई, यानी कि आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ है ना फार्मूला, तो यहाँ से अगर ये 2 आ जाए इसकी सबके नीचे डिवाइड हो जाए तो फिर कोज ए साइन ए साइन बी ही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, तो ये वो चीज़ बनेगी।
अब इसके मुताबिक ये बनता है हमारे पास 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कोस 4 थीटा प्लस कोस 2 थीटा। बाकी तो हमारा क्वेश्चन सेम है, बस ये 2 यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे नहीं है, तो ये 2 इसके नीचे अब डिवाइड होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है 23 भी हमारा पूरा हो गया, अभी आगे नेक्स्ट चलते हैं। आगे हमने देखना है अब क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद है कि आपको 23 तक के क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आगे 24 क्वेश्चन हमारे पास है, और वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, साइन, ठीक है, एक्स प्लस 3 थीटा 30 डिग्री लिखा हुआ, ठीक है, प्लस में हमारे पास है साइन एक्स माइनस 30 डिग्री, एज अ प्रोडक्ट हमने करना है, यानी कि साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है ना, ये कि ए अलग बी अलग है, इसको हमने एज अ प्रोडक्ट करना है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस साइन बी इक्वल टू 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, दोनों साइन में हैं, ठीक हो गया, और पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। इसमें पहले फार्मूला लिख लेते हैं कि साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई 2, ये प्रोडक्ट में बन जाते हैं ना, सम से प्रोडक्ट में। तो अब यहाँ पर जो है हमारे पास वैल्यू बनती है इसकी, इसके मुताबिक कि ए हमारा ये एक्स एक्स प्लस 30 की बराबर 2 साइन, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 30, ठीक है, और प्लस बी हमारे पास है एक्स माइनस 30, ठीक हो गया, डिवाइड बाय 2, इसके साथ ही आ जाएगा साइन, अब आ जाएगा नेगेटिव में एक्स प्लस 30 माइनस एक्स माइनस 30 डिग्री डिवाइड बाय 2, ठीक हो गया, तो यह आता है 2 साइन, ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, यह आ जाता है 2 साइन। अब यहाँ पर देखिए क्या बनता है, x प्लस 30 प्लस एक्स माइनस 30 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x प्लस 30 माइनस एक्स प्लस 30 डिवाइड बाय 2। चलिए देखते हैं कि इसमें कटिंग किस चीज़ की हो गई है, ये देखिए 30 से कैंसिल, और यहाँ पर हमारा जो x x से कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। अब स्टूडेंट ये बनती है वैल्यू हमारे पास 2 साइन 2x डिवाइड बाई 2 और साइन 60 डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, 30 60, तो ये हो जाएगा 2 3 6 30 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, तो आ जाता है 2 साइन एक्स, ठीक है, और साइन 30, आई थिंक हमें साइन 30 की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है ना, तो वो ये हमारा आंसर, बल्कि उसने लिख दिया हुआ है साइन 30 से कोस 30 बनता है हमारे पास, सॉरी हमारा फार्मूला है साइन ए प्लस साइन बी, तो होता है 2 साइन ए प्लस बी और कोज ए माइनस बी, ठीक है ना, ये गलती एक हो गई हमारी, फार्मूला हमने गलत लिख दिया, ठीक है, यहाँ आ जाता है कोज, ये आपने ठीक कर लेना है, कोज 30 डिग्री, ये हमारा आंसर है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका जो है, ये देखा आपने कि फार्मूला जो है ये आपने अच्छी तरह से जेन नशीन करने हैं, ये इन कन्फ्यूज़ कर देंगे, ठीक है। आगे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो लास्ट क्वेश्चन है इसी यानी कि चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फाइंड कोस थीटा, देखिए हमने कोस थीटा फाइंड करना है जबकि साइन थीटा हमारे पास है 7 डिवाइड बाय 25, ठीक है, एंगल जो है उसने दिया हुआ है एन एक एक्यूट एंगल, देखिए एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, तो फिर थीटा हमारा हो जाएगा किसमें, थीटा लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट, 90 से छोटा होता है तो एक्यूट होता है, अगर तो बड़ा होता है तो फिर वो एब्ट्यूस एंगल बोलता है, इसने एक्यूट एंगल बोला, ये 90 डिग्री से छोटा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है 90 डिग्री से छोटा एंगल जो है, तो अब हमने कोस थीटा फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये हमारे पास, सिर्फ इस एक्यूट एंगल की वजह से उसने कन्फ्यूज़ किया, ये होता है लेस देन टू, ठीक है, 90 डिग्री, तो ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में आता है, और ये हमारे पास है यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हमें कोस थीटा फाइंड करना है जो होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस के, तो अब हमें बेस की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है, अब इसमें जो है वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ पर है 25 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, तो 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर होता है हमारे पास 6, 25 माइनस 49 हो गया 7, 7 और बी स्क्वायर, इसमें से अब माइनस कर देते हैं 49,
तो ये हमारे पास बी स्क्वायर इक्वल टू बनता है 576। इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो हमने क्या करना है जी, स्क्वायर रूट आंसर तो ये 24 आता है, बी इज इक्वल टू हमारा बनता है 24। तो स्टूडेंट 24 आ गया। अब हमने जस्ट कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमारे पास होती है 24 डिवाइड बाय 25, और ये हमारा आंसर आ गया। और ये फर्स्ट एंगल है यानी क्वाड्रेंट में ही होता है तो पॉजिटिव है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चन समझ आए होंगे, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, अब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।